अशर को कॉल करके बताएं कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और उसको यहाँ वापस आने की जरूरत ही नहीं है। एक दफा वो अपना इरादा बदल लेगा ना, फिर हम देखते हैं आगे करना क्या है। आखिर बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ है उन्हें? हार्ट अटैक हो गया। अगर मैं अपने भाई पर कुछ खर्चा कर दूंगा तो मेरे अब्बा जी का दिल नरम हो जाएगा ना मेरे लिए, और फिर हम दोनों के खानदान में एंट्री आसान हो जाएगी। अच्छा मैं ये बताएं कि वो अब भी यही है? कौन? फरीन? पता नहीं बेटा, जब से तुमने मना किया ना, मैंने तो साफ साफ कह दिया था मेरे जीते जी वो इस घर में नहीं आ सकती। आने भी नहीं चाहिए। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। इतनी भी हंसने वाली बात नहीं थी, क्यों इतनी हंसी आ रही है आपको? अरे आपकी अम्मी को पता चल गया ना कि उनका लाडला यहाँ डिशेस वॉश कर रहा है, तो पता नहीं आपका क्या हाल होगा। खुदा का खौफ करें ये मत कीजिएगा प्लीज, बहुत बुरा सीन हो जाएगा। वैसे भी बॉस ने तो रिजाइन से मना कर दिया, और अम्मी ने देख लिया ना डायरेक्ट डिपोर्ट होऊंगा मैं। अच्छा चल क्या करी खुदा। अरे यार ये अगर तस्वीर चली गई अम्मी को, आपको पता भी है वो क्या? डोंट डू इट। अच्छी आई है वैसे। ये ब्लैकमेल करने के लिए रखी है ना आपने? आई नो। नहीं मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कहाँ हैं? अभी तो यही थी। हाँ वो समीर को फोन करना था, शायद बाहर गई होगी। ये लोग अपने घर कब जाएंगे? क्यों तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम्हारी बहन यहाँ रह रही है? हाँ बड़ी जल्दी भूल गई आप बहन के कारनामे। अम्मी भाई की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, उन्हें जरा सा भी शक हुआ ना कि आप ही के साथ साथ उनके शौहर भी यहाँ रह रहे हैं, कयामत आ जाएगी। फरीन बिल्कुल ठीक कहती है, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। भाई और भाभी कब आ रहे हैं? नहीं आ रहे वो। लेकिन सुबह में आप कह रही थी कि वो लोग आ रहे हैं। अब मैं बता रही हूँ ना कि नहीं आ रहे, उर्दू में बता रही हूँ ना, फारसी तो नहीं बोल रही हूँ। लेकिन क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं उसके दफ्तर वाले नहीं छोड़ रहे उसे। गॉड, मैंने आज अपना नोटिस भी वापस ले लिया है। अम्मी अगर आपकी भाई से इस बारे में कोई बात हो गई थी तो मुझे एक मैसेज नहीं करवा सकती थी? एटलीस्ट मैं अपने बॉस से बात ना करती, अब क्या होगा? तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम जाओ अपने ऑफिस, फरीन है ना वो संभाल लेगी मुझे। ये आप ठीक नहीं कर रही, आप पी के शौहर का इस घर में रहना सही नहीं है अम्मी। मुझे बस बस अलीज़े, मैं मजीद तुम्हारी ये बकबक नहीं सुनना चाहती। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम मेरी माँ मत बनो। भाई नाराज होंगे आपसे। मैं देख लूंगी उसको, कर ले जो करने, लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा निकल सकता है। तुम बस अपने काम से काम रखो बेटा, और खबरदार अगर तुमने अशर के कान भरने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। हाँ फरीन। हाँ समीर कैसे हो तुम? यार बस बहुत थकन हुई हुई है। अच्छा तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है? भी तो वैसी ही है फरीन। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा है कि अगले 24 घंटे ना खतरे से खाली नहीं है। तुम
दुआ करो फरीन। समीर ये लो गरम गरम चाय। हेलो समीर, ये अरीज तुम्हारे पास क्या कर रही है? हुआ है? नहीं अम्मी, इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता समीर मुझसे, इतना बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे। क्या बोल रही है, बताना हुआ क्या है? मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी बता क्या हुआ है। अम्मी समीर झूठ बोल के गया है मुझसे। झूठ बोल के गया था मतलब? मतलब वो हॉस्पिटल अपने भाई के पास नहीं गया है। तो फिर? अरे बता के तो जाना। इसी वक्त के लिए मना करती थी मैं इसको कि ना कर, लेकिन नहीं मानी ना उस वक्त। अब वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। मैं अब क्या करूं, जाऊं उसके पीछे? नहीं, इस वक्त तो उसको छेड़ना भड़ों के छत्ते को छेड़ने से कम नहीं। खुद ही आ जाएगी थोड़ी देर में। ये ले आपकी कॉफी। थैंक यू। क्या देख रहे हैं? ये ड्रामा देख रहा हूँ। अब आप रिमोट मुझे दे दें, मैं अपना फेवरेट ड्रामा लगाऊंगी। दे दें। अस्सलाम वालेकुम मेरा बाजी, कैसी हैं आप? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरीन एक मसला हो गया, बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल में है ना, और उनकी कोई देखभाल के लिए नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। चलो फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अब नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, अब्बा होंगे वहाँ पर, वो फजूल में तुम्हें देखकर शोर शराबा करेंगे। ये गोल्डन टाइम है, अगर मैं अपने भाई पर कुछ खर्चा कर दूंगा तो मेरे बच्ची का दिल नरम हो जाएगा ना मेरे लिए, और फिर हम दोनों के खानदान में एंट्री आसान हो जाएगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है समीर, मुझे तुम अभी जानते नहीं। मैं वो हूँ जो दूसरे मुल्क बैठकर भाई और भाभी की जिंदगी कंट्रोल कर सकती हूँ, तो तुम मेरे सामने क्या चीज हो? मैंने सारी दुनिया को धोखा देकर तुम्हारा भला करना चाहा है हमेशा, और तुम मुझे धोखा दो, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। हमेशा मुझे मुश्किल से तुम ही ने निकाला है, मैं वादा करता हूँ सारे कफारे अदा कर दूंगा। लेकिन इस बार जो हुआ है ये मेरी बर्दाश्त और हद दोनों से बाहर है। जो कुछ तुमने किया है उसका भुगतान अब तुम्हें भरना पड़ेगा। क्या है? आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत को क्या होना है? अम्मी आपको बुला रही हैं, वो परेशान हो रही हैं आपके लिए। उनको बोलो जिंदा हूँ मरी नहीं हूँ, आ रही हूँ थोड़ी देर में। तौबा है आपी, आपसे तो बात करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल तो अब मैं समीर तुम्हारी जिंदगी को बनाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से सब जाने दूंगी? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।
भी और बच्चों का क्या होगा अब? हैराबा जी, सुनकर मेरा तो दिल बैठ गया है जी। मैं करती हूँ बाजी आपसे बाद में बात। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ है सचा? शर मेरे तायाजाद भाई, उनका इंतकाल हो गया। इन्नल्लाहि वा इन्नल्लाहि राजिऊन। वे तो 35 साल के थे, उनके दो छोटे छोटे बच्चे, इतनी यंग वाइफ है, कैसे होगा सब, क्या होगा? और ये हुआ कैसे? ऑफिस से आ रहे थे, बाइक पर थे, बस ने हिट कर दिया तो बस। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। शर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उनके बीवी बच्चों का कौन देखेगा? सफदर भाई का कोई और भाई नहीं था, दो बहनें हैं और वो भी माली हालात से तंग ही हैं। सजल भाई हो भी ना तो भी यतीम बच्चों और बेवा को पूछने कोई नहीं आता। मैं जानता हूं, ये सब कुछ समझ सकता हूं। जब अप्पा गुजरे थे ना तो मम्मी बहुत यंग थी, मैं भी बहुत छोटा था, लेकिन मुझे सब याद है। कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, कोई नहीं आता मदद को, कोई भी नहीं पूछता। मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी ही नहीं, ये बाहर जाकर जॉब करती हैं, घर चलाती हैं, लेकिन सारी तकलीफें सारी मुसीबतें खुद ही झेलती रही बेचारी। मैं समझ सकती हूँ शायद, हमने भी अपना बचपन ऐसे ही गुजारा है। महसूस कर सकती हूँ आपका दर्द सजल। अगर आप ये समझ सकती है ना तो ये भी जानती होंगी कि अम्मी की तबीयत में सख्ती क्यों। मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत ज्यादती करती है वो भी और अफरी अभी भी। ऐसा नहीं है कि मैं ना वाकिफ हूं, सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। लेकिन ये सख्ती ऐसी नहीं है ये सजल, उन्होंने अपने साथ बहुत ज्यादतियां बर्दाश्त की और उस सबके बीच ना ये अच्छी साले अब पता नहीं कहां खो गई। पहले वाली साले इसलिए इनसिक्योर थी कि उसे बच्चों के खाने की फिक्र थी, अभी वाली इसलिए इनसिक्योर है कि कहीं ये नेमत ही ना छिन जाए। समझ सकती हूँ शर, आप परेशान मत हो। सजल मुझसे वादा करें, मुझसे वादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने हिम्मत नहीं हारनी। अम्मी का आप ही का कोई भी बिहेवियर हो आप पीछे नहीं हटेंगी, प्रॉमिस मी। और मैं भी आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आप पर कभी भी एतबारी नहीं करूंगा, आप पर मेरा यकीन कभी खत्म नहीं होगा। बस आपने हिम्मत करनी है, क्योंकि अगर आप ये करेंगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा और हमारे घर में वही सुकून होगा, वही खुशी होगी जो आप और मैं चाहते हैं। Thank you.
करो मुझे। मियाँ कहाँ है तुम्हारा? वो नाश्ते पे नहीं आ रहा क्या? आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीज़े जरा मक्खन पास। थैंक यू। कैसी तबीयत है? क्या हो गया फरीन? कुछ नहीं है, फोन नाश्ता करो। फरीन, फरीन फोन लेकर कहाँ जा रही हो? क्या तरीका है? फरहीन, फरहीन क्या तरीका है? फरहीन रुको, फरहीन, फरहीन, फरहीन दरवाजा खोलो, फरहीन दरवाजा खोलो। चलो, सुबह सुबह शुरू हो गए दोनों, इनके तो मसले ही नहीं खत्म होते। तभी मैंने आपको कहा था कि इन्हें घर में ना रखें। अब तुम मत शुरू हो जाओ ना, पहले कम चोर है इस घर में। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें क्या होता है। नाश्ता करो तुम, बस सुबह नाश्ता भी नीचे कौन से कर सकते हैं। मक्खन दे। हाय समीर। फरहीन दरवाजा खोलो। बेहया बेशरम औरत, तुम्हें कोई एहसास है तुम कर क्या रही हो? व्हाट व्हाट क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा अगर तुम मेरे शौहर के साथ बाहर रंगरलियां मना रही होगी? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ये बात कैसे कर रही हो मुझसे? मेरा दिमाग खराब हो गया? अच्छा, मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें बताऊंगी तुम क्या समझ रही हो। मुझसे इस तरह बात मत करो, समझी तुम? मैं तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। समीर सिर्फ मेरा है, अपने कान खोल के सुन लो ये बात, समझ आ रही है कि नहीं? आज के बाद उसको फोन नहीं करना। चुप करो तुम। फरीन दरवाजा खोलो, फरीन दरवाजा खोलो। क्या हो गया तुम्हें फरहीन? ये क्या तरीका है? फोन कहाँ है मैं? फरहीन, फरहीन रुको, क्या किया तुमने फोन में? जो मुझे करना था ना मैं कर चुकी हूं। क्या मतलब? फरहीन ये कोई तरीका नहीं अपने शौहर से बात करने का। और किस तरह बात करूं मैं तुमसे? हाँ, किस तरह बात करूं? सच तो ये है कि तुम्हें सिर्फ अपनी चलानी आती है, अपनी मनमानी करनी आती है। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मेरा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारा किरदार खराब है बस। या अल्लाह। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही। अरे अशर, आप आ गए आज देर कर दी, कब से वेट कर रही थी? हाँ, वो जरा शॉपिंग के लिए चला गया था। वाह, शॉपिंग? जी शॉपिंग। अच्छा बेट, मैं पानी लेकर आती हूँ।
शॉपिंग तो देखूं। ये सब किसके लिए अशर? आंटी के लिए। आंटी, मेरी अम्मी के लिए? साहिर, आपकी अम्मी के लिए सजल, और किसके लिए? अच्छा, और ये खिलौने? ये मोहित के लिए। मोहित के लिए? अशर, ये सारी शॉपिंग आपने खुद की है? ऑफ कोर्स मैंने की है, पर एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो कराची जा रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ सामान भिजवा दूं कराची। अशर, आपने आंटी के लिए कुछ नहीं लिया? आप घर नहीं कुछ भेज रहे? वो अम्मी को गिफ्ट्स ज्यादा पसंद नहीं है, उन्हें चाहिए होता तो वो मुझे बता देती हैं, मैं कैश भिजवा देता हूँ। रही बात अलीजे की, तो उसकी तो हर महीने लिस्ट आई जाती है, इस दफा अभी तक कुछ बताया नहीं है, जैसी कुछ बताएगी तो वो भी ले लेंगे। बहरहाल आप सामान चेक कर लें, अगर और कुछ चाहिए हुआ तो ले लेंगे, क्योंकि अभी उसके जाने में एक दिन है, सो वी कैन डू दैट। मैं सोच रही थी कि अगर आंटी को पता चला कि मेरे घर सामान भिजवाया, वो नाराज ना हो जाए। देखें सजल, पहली बात है उन्हें पता चलेगा नहीं, और अगर पता चल भी गया तो आप क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना, आप ये सामान देख लें, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए, वरना फिर मैं ऑफिस ये कल दे दूंगा, वो ले जाएगा। थैंक यू सर, वैसे अम्मी के लिए ठीक रहेंगी। वैसे इस सब के बीच मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल ही गया। क्या? आतिश। Happy birthday to you, and I'm sorry. सॉरी क्यों कह रहे हैं आप? सॉरी क्यों कह रहा हूँ? सॉरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, बहुत दिल से करना चाहता था, लेकिन इतनी परेशानी है, इतनी टेंशन, आपको पता ही है। जानती हूँ मैं, आप सॉरी मत कहें, बुरा लग रहा है मुझे। मियाँ बीबी हैं आप, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ ही रहेंगे ना। थैंक यू, अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। बोलो क्या काम है? अरीज, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो? समीर, गो टू हेल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? क्यों, मैंने क्या किया? ये जाके ना तुम अपनी बीवी से पूछो, हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दैट। अब मैं समझा नहीं, उसने क्या कहा तुमसे? उसने मुझे तुम्हारे नंबर से कॉल करके लिटरली अब्यूज किया है, एंड डोंट टेल मी कि ये सब तुम्हें नहीं पता। अब अरीज, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं उसे अपना फोन क्यों दूंगा कि वो तुम्हें कॉल करे? उसने जो कुछ भी किया वो मुझसे छुप कर किया है। व्हाटएवर समीर, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना है, समझे तुम? अरीज, मेरी बात सुनो, अब तुम्हें काम मिले ना मिले या तुम भूखे मरो, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और आइंदा मुझे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करना, वैसे ही मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ।
अरीज मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो माहम माहम जरा दरवाजा खोल देना, मैं जरा मसरूफ हूं, आप खोल दीजिए। आ रही हूं आ रही हूं। सलाम अलैकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। मैं बंद कर देती हूँ। ठीक हो बेटे? हाँ बस थकन हुई हुई है, आज कुछ ज्यादा ही काम था। मंथ का एंड होता है तो आपको पता ही है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किन कामों में लगी हैं आप? बस आज लॉन्ड्री देखो ना, तो मैंने सोचा कि घर के सारे कपड़े धो लूं, बस उसी में लगी हुई थी। आप कमरे में चले, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अगर बनानी है तो सबके लिए बनाओ, लाउंज में पिएंगे, थक गई होगी तुम भी। हाँ सही है। आंटी सर चाय बना दीजिए, बहुत थक गई मैं। बहुत ही मजेदार खाना बना है आज। आप दोनों में से किसने बनाया? मैं। हमने हमने मिलजुल के बनाया। मैंने सब्जी काटी और अम्मी ने आटे मसाले, मतलब ऐसे ही मिलके बना ली। मैं भी कहूँ लग भी ऐसे रहे कि जैसे बहुत सलीका मंद खवातीन के हाथ लगे। वैसे एक बात, मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरी जिंदगी में दोनों खवातीन जो आई हैं, उनके हाथों में जादू है कसम से। आगे आगे देखिए होता है क्या, मैं और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। अच्छा मसलन? मसलन
वक्त आने में बताऊंगी, आप ये लीजिए ना, ये पूरी दोपहर खड़े होके बड़ी मेहनत से बनाई है। बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, तुम दोपहर से लगी हुई हो। अरे मैं सादा खाना भी बहुत मजे से खा लेता हूँ, अम्मी बताएं इसको। अरे ऐसे कैसे, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि गर्मी में चंद घंटे खड़े होकर किचन में आपके लिए मजेदार सा खाना बनाएं और आपको खिलाएं। ये लीजिए ना, ये भी बहुत मजेदार। तुझे खुदा का वास्ता है, सर फट रहा है मेरा। अम्मी आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने कमरे में जाकर सुकून से आराम करें। कैसे करूं आराम, तुझे आवाज नहीं आ रही है, बेल पे बेल दिए जा रहा है वो। बजाने दे उसको। फरीनो उसको खुदा के लिए अंदर तो आने दे, उसकी बात तो सुन लेना। सारे आस पड़ोस के लोग सुन रहे होंगे इस वक्त। वो इस काबिल नहीं है कि मैं उससे कोई भी बात करूं, झूठ बोलता है वो। अच्छा, उस दिन तो बड़े आराम से बुला लिया था उसको अंदर। अगर उस दिन अंदर बुला लिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको माफ कर दिया है। मुझे ना तेरी बातें समझ में नहीं आती। अब्बू के जाने के बाद ना दुनिया की सारी जंगें मैंने खुद ही अकेले लड़ी हैं। ये जंग भी लड़कर जीत लूंगी, आप परेशान ना हो। कौन सी जंग जीत रही है तू? हाँ, पहले ही तूने उस लड़के को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। अब हमने तेरी पसंद को कबूल कर लिया है ना, तो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है उसके साथ? जो भी मसला है आराम से बैठ के सुलझाओ अपने मसलों को। खैर बैल बजना बंद हो गई है, कहीं चला ना गया हो, जाके देख। कहाँ जाएगा अम्मी, वैसे भी उसके अब्बू उसको घर में रखने नहीं वाले, घूम फिर कर उसने यहीं आ जाना है। अम्मी इन्हें कहें कि अपने घर के मसले अपने घर में हल करें, यहाँ रोज रोज झगड़े से पड़ोस में आवाजें जाती हैं। तुम चुप करो। और तुम फिर अंदर आ गए। मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। देखो बेटा, लोगों के जो भी मसले हैं ना, आराम से तहमुल से बैठ के बात करके सुलझाओ उसे। जिस तरह की जिंदगी तुम दोनों गुजार रहे हो, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के बात करो। हाँ फरीन, अरीज को क्यों फोन किया था तुमने? अच्छा, तुम्हें तो बहुत बुरा लग गया होगा ना कि मैंने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को क्यों कॉल मिला दी और उसको उसकी औकात याद दिला दी। हाँ मैं काम से गया था, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है? क्यों करूं मैं तुम पे यकीन, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने भाई देख रही हैं आप अम्मी, इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं मुझे और बाहर इन लोगों ने अपना हंगामा खड़ा किया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि इस लड़के के हाथों काम होते हैं, मेरी फरीन को कुछ ना हो जाए। हर वक्त तुम्हारे साथ चिपक के थोड़ी रह सकता हूँ मैं। समीर तुम्हें नहीं मालूम उस अरीज से मुझे कितनी नफरत है, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला और उसके साथ ट्रिप पर चले गए। अरे ट्रिप पर नहीं गया था यार, नहीं गया था मैं ट्रिप पर। ये सब फरीन आप ही का अपना ही किया था रे, किसी और ने उनके सर पर ये लड़का मुसल्लत नहीं किया।
क्या कहूं, मेरी बच्ची की किस्मत ही ऐसी है, आ गई होगी इस लड़के की चिकनी चपड़ी बातों में। अम्मी ये ले। ये क्या? ये कुछ सामान है जो सज्जल ने भिजवाया आपके लिए। अरे सज्जल ने? उसको ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? अब बताया भी नहीं मुझे कुछ, उसने बात भी हुई थी मेरी उससे। किसके हाथ भिजवाया? वो माम एक चाय का कप ले आना है। अशर का एक दोस्त आया था, वो ड्रॉप करके चला गया चीजें। ये देखो मोहित के लिए। ये कितना क्यूट है। है मेरी बच्ची इतनी दूर है लेकिन उसको अपनी माँ का कितना एहसास है, देखो जरा। मोहित की तो निकल पड़ी। माम चाय कही थी मैंने। कुछ भेजा उसने? नहीं। दूर है ना, तो जो कुछ हो सका उससे उसने भेज दिया। जिनके लिए भेजना था उनके लिए तो भेज दिया उसने। मैं भी तो उसकी इकलौती भाभी हूँ। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ लेकिन वहां से आई हुई चीजों की बात अलग होती है ना। उससे पता चलता है कि अगले की नजरों में आपकी क्या कदर है। माम क्या ही था अगर सज्जल इसके लिए भी कुछ भिजवा देती। नाराज होगी ना माम। इतना ही यकीन नहीं है तो क्यों की मुझसे शादी, क्यों छोड़ा उस अयाज को? समीर आज के बाद ना अयाज का नाम मत लेना वरना मैं क्या क्या कर लोगी तुम? वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। परीन ये कोई तरीका नहीं है अपने शौहर से बात करने का। और किस तरह बात करूं मैं तुमसे? हाँ किस तरह बात करूं? सच तो ये है कि तुम्हें सिर्फ अपनी चलानी आती है, अपनी मनमानी करनी आती है। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मेरा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा किरदार खराब है बस। या अल्लाह बहुत हो गया है, अभी बताती हूँ अशर भाई को। तो क्यों की मुझसे शादी?